हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवराज रॉय और आप देख रहे हैं ऑल इन बर मेडिसिन चैनल। दोस्तों, ऑल इन बर मेडिसिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ के बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूँ वो वीटकोफल कैप्सूल और सिरप के बारे में। दोस्तों, ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी सिरप और टैबलेट्स हैं। दोस्तों, इसके रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों इसके क्या साइड इफेक्ट है पूरे वीडियो को लास्ट में जरूर बताया गया है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल भी ना मिस कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सिरप के बारे में बताने वाले हैं जो कि दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा के हमारे खून की कमी को करता है दूर और हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को भी दूर करता है। क्योंकि हमारे शरीर के खून में अगर गंदे गंदे पदार्थ पाए जाएंगे यानी कि विषैले पदार्थ पाए जाएंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। और दोस्तों, हमारे शरीर का अगर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाएगा और हमारे शरीर की खून की सफाई हो जाएगी तो दोस्तों हमारे शरीर में वो सभी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी जो कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियों के बारे में जान लीजिए जो कि इसकी कमी से हो जाती हैं, जैसे कि चक्कर आना, जी मचलाना, कमजोरी होना और भूख न लगना। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके खून में यानी कि हीमोग्लोबिन में अन्य प्रकार के जो विषैले पदार्थ हैं वो जमा हो जाते हैं तो उनके कारण दोस्तों आपके शरीर में एक्ने पिंपल्स हो जाना, आपके शरीर में पसीना कम आना और आपके चेहरे का ग्लोइंगपन खत्म हो जाना, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको आ सकती हैं। ये दोस्तों समस्याएं होती हैं हमारे आहार से संबंधित। अगर दोस्तों हम हमारे भोजन में वो सारे पोषक तत्व नहीं खाएंगे जो कि हमारे शरीर की हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के साथ साथ और प्रकार के तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा जिसके कारण हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। तो दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी सिरप आती है हमारे खून को बढ़ाने के लिए, बट दोस्तों मैं आपको सबसे बेस्ट और अच्छी वाली सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस सिरप का नाम है बीटाकोफिल। इसके अंदर दोस्तों डाले हैं आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12, यानी कि दोस्तों हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है जो कि दोस्तों पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए। साथ में इसमें डाला है फोलिक एसिड जो कि दोस्तों हमारे खाने को पचाता है और हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ डले हैं दोस्तों विटामिन B12 जो कि दोस्तों हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए और हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, यानी कि दोस्तों इस सिरप का सीधा सीधा संबंध है हमारे भोजन को पचाने से। अगर हमारा भोजन सही प्रकार से पचता रहेगा यानी कि जो भी हम खाएंगे पिएंगे वो हमारे शरीर को लगेगा तो हमारा शरीर में वो सारे पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी जो कि हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करती हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन का स्तर सही हो जाएगा तो हमारे शरीर में बिल्कुल भी हमें चक्कर नहीं आएंगे, कमजोरी नहीं आएगी और हम बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और साथ में हमें भूख भी खुलकर लगेगी और हमारे शरीर की वो सारी गंदगी दूर हो जाएगी जो कि हमें बीमार करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको इसका सेवन कब और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद ये पीनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इसका दिन में पीते हैं तो आप इसका डेली दिन में ही पीजिएगा, अगर आप इसका नाइट में पीते हैं तो डेली नाइट में ही पीजिएगा। आपको दोस्तों ये 15 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं यूज करनी, यानी कि आपको 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं पीना। अगर आप इसको लगातार 2 सप्ताह तक पीते हो डेली तो दोस्तों आपको 10 दिन का गैप देकर ये दोबारा स्टार्ट करनी है, यानी कि आप इसका लगातार लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपके शरीर में जी मचलाना और घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की तो वैसे तो इसके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है, बट दोस्तों आपको यही सावधानी रखनी है कि आप इसका लगातार 15 दिन से ज़्यादा यूज ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और इसकी प्राइस है लगभग 100 रुपये के समथिंग जो कि ऊपर नीचे होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर के हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करके रखते हो तो आपके शरीर में बिल्कुल भी खून की कमी नहीं आएगी और अगर हमारे शरीर में बिल्कुल भी खून की कमी नहीं आएगी तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो गई तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप जरूर इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा कर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।